again. Celestial. आप सब लोगों के आप सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है कि मॉनसून यानी रेनी सीजन के टाइम पे आप बाइक में क्या कर सकते हैं कि बाइक एक परफेक्टली फाइन चलती रहे और बारिश के पानी से बिल्कुल भी कोई खराबियां ना आए बाइक के अंदर। और इन चीज़ों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम टू टाइम रिपीट करते रहें बाइक में, बाइक की फ्यूचर हेल्थ के लिए भी, फ्यूचर में ताकि बाइक आपकी स्मूथ और अच्छी चलती रहे। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने देखा कि मैं बाइक की चेन वॉश करवा के लाया। मैंने मतलब पहले आपको फ्रंट शॉट में आपने देखा कि बाइक बहुत ज्यादा गंदी थी, मिट्टी डर्ट सब कुछ भरा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने डीजल से चैन क्लीन करी, फिर मैंने बाइक पूरी वॉश करवाई है। और अब इसके बाद पहले तो चैन को थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम दूंगा मैं, ताकि पानी निकल जाए उसके ऊपर से। तब तक हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्लच की वायर होती है ये ओवर द टाइम सूखने लग जाती है, अंदर थोड़ा बहुत पानी चला जाता है धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी जगहों से, तो ये हार्ड हो जाती हैं। कई लोगों ने देखा होगा कि शुरू शुरू में बाइक की क्लचेस बहुत सॉफ्ट रहती हैं, वो सर्विस करवा के आते हैं तो कई बार जब भी सॉफ्ट रहती हैं, फिर जब सर्विस को टाइम हो जाता है तो क्लच हार्ड होने लग जाती है धीरे धीरे। तो उसका रीज़न है जो हमारी क्लच होती है इसमें पानी चला जाता है और जो वायर के बीच में जो जिस पाइप में से वायर फ्लोट करती है हमारी आगे पीछे होती है उसमें धीरे धीरे रस्टिंग पकड़ने जाता है, टाइट होने लग जाती है। तो उससे बचने का तरीका ये कि आप जो क्लच वायर है आप उसके अंदर डीजल थोड़ा सा पोर करके और क्लच को एक बार साफ करा करें ताकि उसके अंदर एक लुब्रिकेशन रहे थोड़ी बहुत। तो मैं भी वही करूँगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप किस तरह इजी तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आगे। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो यहाँ पे ये क्लच वायर होती है नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंजन के एक साइड ऐसे क्लच की वायर होती है जो क्लच पुल करने पे ये आगे मूव करता है। हाँ जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके पीछे थोड़ा सा कट दिख रहा है आपको, तो जो ये होल होता है हमें इसको कट के से आगे निकालना है, तो उसके लिए हम थोड़ा इसको आगे पुश करना होता है। तो मैं नॉर्मली प्लास का यूज़ करता हूँ। आप कर क्या सकते हो कि आप प्लास से इसको पकड़ के और इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरफ आगे की तरफ मूव करना होता है, ऐसे देख सकते हो ऐसे मूव हो जाएगा तो ये यहाँ से लूज़ हो जाता है इस पॉइंट पे से। तो आप दूसरे मेरा दूसरा हाथ फ़ोन पे है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मैं ऑफ द कैमरा एक ब्रेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मैंने निकाल लिया, ये यहाँ पे आप कट दिख जाएगा अब आपको आराम से। ये देखो ये कट जो है ना, जैसे आप इसको आगे पुश करोगे वायर लूज़ हो जाएगी, तो आप वायर को थोड़ा सा पीछे खींचो और इसको साइड से ऐसे खींच दो बाहर। इससे क्या होगा कि हमारे क्लच में थोड़ा सा प्ले आ जाएगा ऐसे करके, जिससे हम ऊपर से ही क्लच को निकाल पाएंगे। हाँ जी, तो नीचे से क्लच निकालने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमने वायर वहाँ पे निकाला है हम यहाँ थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इसको ऐसे आगे खींच लेंगे। अब यहाँ से क्या है, हमारे नीचे से क्लच का वायर पूरा बाहर आ जाएगा, देख सकते हो कितना लूज़ है ये। तो इसी ये होने के बाद हम आगे काम शुरू करेंगे। मैं बताता हूँ आप करना क्या है। हाँ जी, तो ये है एक इंजेक्शन सिरिंज, मेरे ख्याल से 3 ml का सिरिंज है। तो मैंने इसमें डीजल भरा है, डीजल भरने का तरीका दिखाने की जरूरत नहीं यार, सिरिंज ज़्यादातर लोगों को पता होगा कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी सिरिंज भर ली है और सिरिंज भरना तकरीबन सबको आता होगा। ये फोकस में अगर ले लेगा तो इसको मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने सिरिंज डीजल से फुल भर ली है। तो सिरिंज डीजल से फुल लेने के बाद भाई थोड़ा ध्यान रखना, नोक को चुभा मत लेना हाथों में कहीं भी, बहुत पहना होता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आगे करना क्या है। तो जो हमने ये वाला वायर निकाला है, ये वाला हम इस वायर के अंदर यहाँ से साइड से सिरिंज डालेंगे थोड़ा सा, और हम धीरे धीरे इसके अंदर डीजल पोर करना चालू करेंगे। ये थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा फास्ट करोगे तो डीजल यहाँ पे उसके ऊपर से ही बाहर निकलाएगा सर। तो
जब आप लोग एक बार ऐसे एक सिरिंज पूरा पुल कर दो तो इसके बाद वायर को कुछ ऐसे हिलाओ बार बार। तो आप जितना वायर को हिलाओगे डीजल इसमें उतनी ही जल्दी नीचे फ्लो होगा, और जितना जल्दी फ्लो होगा उतनी जल्दी नीचे से निकलेगा। जब नीचे से डीजल निकल जाएगा तो हमारी वायर ऊपर से क्लीन होते हुए नीचे तक चली जाएगी। तो मैं एक तो रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे दो सिरिंज इसमें भर के डीजल के पोर कर दो और फिर वायर को अच्छे से हिलाते रहो थोड़ी देर तक। हाँ जी, तो मैंने एक और सिरिंज भर लिया। इससे क्या है, इससे हमारे केबल की लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है क्योंकि वो रस्टिंग से जल्दी ख़राब नहीं होता, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट हमेशा रहता है जिससे कि हमारी केबल थोड़ा स्मूथली इसके अंदर से रन कर जाएगी। तो आपको कभी भी क्लच पुल करते टाइम ज़्यादा हार्ड फील नहीं होगा। हाँ जी, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डीजल कैसे निकला हुआ है अच्छे से, और यहाँ पे हल्का सा रस्ट भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह पूरी लाइन अच्छे से क्लीन हो जाती है और जो भी रस्ट डस्ट गंद जो भी इसके अंदर चिपका होता है सब बाहर निकल जाता है। तो हमारी क्लच का काम पूरा हो गया है, अभी हम क्लच को वापस लाएंगे और नीचे सेट कर देंगे वापस से। देख सकते हो क्लच को मूव कर रही है, तो वर्किंग एकदम बढ़िया हो गई है। ऐसे अगर आप सिर्फ थ्रॉटल को भी आप सैगी सैगी फील कर रहे हो, थ्रॉटल खोल के थोड़ी भी पाइप में जो ट्यूब वगैरह होती है उसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल वगैरह कुछ भी लगा दो तो वो भी सेट हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी है बाइक की चेन को ल्यूब करने की बारी। मैं नॉर्मली ब्रांड न्यू इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ ज़्यादातर चेन को ल्यूब करने के लिए। इससे पहले मैंने ज़्यादातर फैंसी चीज़ें मतलब जैसे प्यूटोलाइन का चेन वैक्स हो गया, या फिर मोटूल का चेन वैक्स चेन ल्यूब हो गया, या रुथ का हो गया, मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है। मैंने चेन क्लीनर भी ट्राई कर रखे हैं हर तरह के, पर ये चीज़ सबसे सस्ती है और सबसे बेस्ट रहती है, मैं ये कह लूँगा। चलो दोबारा यूज़ करते हैं। और हाँ भाई, डीजल से चेन बाइक की चेन को साफ करना कुछ गलत नहीं है, उससे कुछ ख़राब नहीं होगा। बस आप सिर्फ चेन तक ही डीजल मारो, बाकी सारी चीज़ों पर डीजल मत स्प्रे करना क्योंकि बाकी जो रबड़ पार्ट्स होते हैं ख़राब होने की दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत। चैन पे आप डीप जिल भर के डीजल का यूज़ कर सकते हो जैसे क्लीन करने के लिए, रस्ट निकालने के लिए, गंद निकालने के लिए। अब मेरी चैन थोड़ी सी रस्ती दिख रही है क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीना हो गया था भाई चैन को ल्यूब किए हुए, और यहाँ पे बारिश लगातार हो जा रही थी तो कीचड़ में बाइक बार बार डूबती जा रही थी, तो मैं चेन भी ल्यूब नहीं कर पा रहा था इस चक्कर में कि बार बार कीचड़ हो रहा है बाइक के ऊपर। आज मैंने फाइनली अच्छी चेन साफ करी है और ल्यूब कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो साफ़ होने के बाद चेन कितनी अच्छी हो गई है, और ल्यूब होने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो गया ये। तो ऐसे ही आप जो हमारे फुट पैक्स के क्लिप्स होते हैं मतलब थोड़ा लाइटर फोकस, ये जो फुट पैक के क्लिप्स होते हैं यहाँ यहाँ इनमें भी आप थोड़ा ऑयल डिप कीजिए ताकि ये जाम ना हो कभी भी जंग की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने देखा हो कई बार हमारा टैब घूमता नहीं है, आप यहाँ पर भी थोड़ा सा इंजन ऑयल डिप कर सकते हैं। और जैसे कि ये की होल होता है तो आजकल ज़्यादातर बाइक में ये ऊपर से नॉब मिलता है, या तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंजन ऑयल डिप कीजिए या फिर अपनी की पे लगा के यहाँ से इंसर्ट कीजिए। तो इससे क्या है कि हमारी जो कीज़ हैं वो स्मूथ मूव करेंगी इसके अंदर हमेशा, और इसमें भी। हाँ जी, तो ये थी मेरी कुछ टिप्स आपकी बाइक को मानसून के टाइम पर हमेशा रेडी और प्रिपेयर रखने के लिए, ताकि आपकी बाइक हमेशा स्मूथ और अच्छे से मूव करती रहे और कोई भी चीज़ें जाम ना हो। और आपको जहाँ भी लग रहा है कि जो भी मूविंग पार्ट है या मैकेनिकल पार्ट है आप वहाँ पे हल्का सा ऑयल
का इंजन ऑयल का डिप लगा सकते हैं ताकि वो हमेशा लुब्रिकेट रहे और अच्छे से वर्क करता रहे। ये थी मेरी वीडियो मॉनसून में अपनी बाइक को हेल्थी कैसे रखें इसके ऊपर। आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।